नमस्कार, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय चैनल SBKC AIU। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन वीडियो में सारी चीज़ें हमने विस्तार पूर्वक समझाई हैं। अब हम यहाँ एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें हमसे पूछा गया है कि एक अन्य व्यक्ति स्टडी टेबल पर रखे जो लैंप है, उस लैंप की स्थिति को किस प्रकार से बताएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारी ये टेबल है, मान लो इसे हम ओ ए बी सी नाम देते हैं। तो इसकी लंबाई ओ ए या सी बी, ये इस मेज की लंबाई दी हुई है, और इसकी चौड़ाई OC या AB इसकी चौड़ाई दी हुई है। अब मान लो कि यहाँ कोई टेबल लैंप ये रखा हुआ है, तो इस टेबल लैंप की हमें स्थिति बताना है कि ये मेज की लंबाई, तो लंबाई वाली भुजा से इसकी कितनी दूरी है और चौड़ाई वाली भुजा से ये कितनी दूरी पर लैंप रखा है। तो यहाँ हम देखते हैं जो लंबाई वाली भुजा है, ये हम x अक्ष के रूप में लेंगे इसे, और ये चौड़ाई वाली भुजा को हम y अक्ष के रूप में लेते हैं। तो यदि मान लो ये यहाँ लैंप है और इसकी चौड़ाई वाली भुजा अर्थात y अक्ष से लंबवत दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी जो कि हमारे x अक्ष के समांतर होगी, तो इसे हम x बोल देते हैं, और ये दूरी जो होगी तो वो हमारी y अक्ष के समांतर होगी, यानी ये दूरी ये y अक्ष के समांतर होगी। तो y अक्ष के समांतर होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम ये स्मॉल y से इंगित कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ ये दूरी हम स्मॉल x से इंगित कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसके जो निर्देशांक होते हैं तो x और y हो जाएंगे, इसकी ये स्थिति को बताएगी लैंप की। तो यही हमारा अभीष्ट हल हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे कि x अक्ष अर्थात मेज की लंबाई से लैंप की लंबवत दूरी, तो ये लंबवत दूरी हमारी होगी y, एवं y अक्ष अर्थात मेज की चौड़ाई से लैंप की लंबवत दूरी, तो ये होगी x। इसे हम कह सकते हैं लंबाई से या लंबाई वाली भुजा से, इसी प्रकार से इसे चौड़ाई से या चौड़ाई वाली भुजा से बोल सकते हैं। तो अतः मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति, तो ये हो जाएगी x कॉमा वाई। तो मान लो यहाँ ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इस प्रकार से यहाँ 4 सेंटीमीटर रखें, और यहाँ हम ये 1, 2, 3 और 4 सेंटीमीटर रखें। तो फिर यहाँ इस वस्तु की यहाँ लंबवत दूरी देखेंगे यदि y अक्ष से, तो हमारी यहाँ से यहाँ तक ये दूरी होगी, यदि y अक्ष से देखेंगे तो ये दूरी होगी, तो ये दूरी यानी कि x अक्ष के समांतर यानी कि 3 होगी। तो यहाँ ये x की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ 3। तो जैसे स्थिति को हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ, यानी x और y निर्देशांक के रूप में। तो यदि हम संख्यात्मक रूप में देखेंगे तो ये हमारी दूरी x यानी कि 3 हो जाएगी, और y यानी कि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, तो ये वाई होगी, तो वाई यानी 1, 2, 3, 4 होगी।
तो यहाँ हम 4 लिख सकते इसे। तो इस प्रकार से हम संख्यात्मक रूप से लैब की स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं। अब हम इसके बाद करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 2 है, तो जिसमें सड़क योजना के बारे में बताया गया है। तो एक नगर है जिसमें 2 मुख्य सड़कें हैं, तो एक सड़क हमारी ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है और ये दूसरी सड़क जो पूरब से पश्चिम की ओर, तो ये पूरब से पश्चिम की ओर ये दूसरी सड़क जाती है और दोनों सड़कें एक दूसरे को मान लो ओ बिंदु पर यहाँ काटती हैं। तो यहाँ एक क्रॉस स्ट्रीट बनती है, चौराहा बनता है। तो ये पूर्व होगा यानी इसको हम ईस्ट बोलेंगे और ये पश्चिम। और ये हमारी सड़क जो उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये उत्तर दिशा होगी और ये नीचे दक्षिण दिशा होगी। और ये दोनों मुख्य सड़कों के समांतर 5 अन्य सड़कें जाती हैं और जिनके बीच की दूरी होगी 200 मीटर। तो इसमें बताया है कि 200 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर के बराबर पैमाना लेकर के इसको हम प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा पैमाना। तो इसे हम एक्स अक्ष के रूप में कहते हैं और इसे एक्स डैश के, इसे वाई और इसे हम वाई डैश बोलते हैं। तो समान दूरी पर 5 सड़कें हैं जो मुख्य सड़क के समांतर हैं। तो उत्तर दक्षिण दिशा के समांतर हमें 5 सड़कें मिलेंगी और पूरब पश्चिम यानी एक्स अक्ष के समांतर हमें 5 सड़कें मिलेंगी और दोनों कई क्रॉस स्ट्रीट भी बनाएंगी एक दूसरे को क्रॉस करके। तो यहाँ हम 200 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर के बराबर यहाँ हम पैमाना लेकर के बनाएंगे। तो मान लो एक सड़क ये हुई, दूसरी ये हुई, तीसरी ये हुई, चौथी ये हुई, पांचवी ये हुई। इसी प्रकार से हम ये वाई अक्ष पर एक सड़क और यहाँ इसकी दूरी ये 2 सेंटीमीटर और यहाँ ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और यहाँ हम 5 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये एक्स अक्ष के समांतर ये हमारी पूरब और पश्चिम दिशा की ओर इस तरह से ये 5 सड़कें हम बनाएंगे और ये हमारी होंगी उत्तर दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण की ओर ये 5 सड़कें हमारी इस तरह से जाएंगी। इस तरह से ये मुख्य सड़क है और दूसरी मुख्य सड़क हमारी ये होगी। तो ये हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, तो इसको हम ईस्ट वेस्ट 1 बोल सकते हैं, ईस्ट वेस्ट 2 कह सकते हैं, ईस्ट वेस्ट 3 बोल देंगे, ईस्ट वेस्ट 4 बोल देंगे, ईस्ट वेस्ट 5 बोल देंगे। और ये उत्तर से दक्षिण की ओर यानी नॉर्थ से साउथ की ओर, तो ये नॉर्थ होगी और ये साउथ होगी और ये वेस्ट। तो इसको हम NS1 बोल सकते हैं, NS2 बोल सकते हैं, NS3 बोल सकते हैं, NS4 बोल सकते हैं और NS5 बोल सकते हैं। तो इसमें हमें पहले उत्तर से दक्षिण की ओर बोला गया है और फिर पूर्व से पश्चिम की ओर बोला गया है। तो जो निर्देशांक हमारे बनेंगे तो उनको हम NS यानी कि पहले हम जो X निर्देशांक होगा वो हमारा NS दिशा वाला होगा और जो दूसरा Y अक्ष होगा वो हमारा ईस्ट वेस्ट वाला होगा।
यानी पूर्व से पश्चिम की ओर वाला, तो इस बात को हमें विशेषकर ध्यान में रखना होगा। तो ये हमारा एक्स निर्देशांक होगा और ये हमारा वाई निर्देशांक होगा। तो इसमें हमें बोला है तो उत्तर से दक्षिण जाने वाली दूसरी सड़क और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली पांचवी सड़क, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने वाली जो फिफ्थ रोड है वो हमारी ये पांचवी होगी। तो ये दोनों और ये दूसरी होगी, तो दूसरी वाली हमारी ये होगी इस तरह से, और पांचवी जो होगी वो हमारी ये होगी। अब ये दोनों सड़कें एक दूसरे को इस बिंदु पे मिलेंगी और यहाँ हमारा ये चौराहा बन जाएगा, एक क्रॉस करेंगे एक दूसरे को ये। तो इसको हम नाम यदि ए बिंदु दे दें तो ए पर ये दोनों मिलती हैं। तो यहाँ देखेंगे इसकी स्थिति को बताएंगे, तो यहाँ यदि इस तरफ यदि हम ईस्ट से वेस्ट की ओर चलते हैं तो ये एक्स अक्ष के समांतर जा रही है रेखा, तो ये एक्स अक्ष के समांतर हमें बिंदु यानी कि दो पर मिलती है, तो इसके निर्देशांक हमारे ये दो हो जाएंगे। और जो वाई अक्ष के समांतर है तो कौन सी सड़क है, पांचवी, तो ये पांचवी सड़क है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सड़क हमारी इस तरह से इस बिंदु की ये यहाँ मिलेगी। तो यहाँ ये हमारा बिंदु होगा, निर्देशांक होगा वाई फिफ्थ यानी 5, तो ये ए बिंदु के हमारे निर्देशांक हो जाएंगे। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है तो उसमें पूछा है कि 4 और 3 स्थिति को दर्शाने वाली कितनी सड़कें हैं। तो यहाँ देखेंगे हम कि पहले हमें बोला गया है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी इसमें 4 और 3 और 3 और 4 इस स्थिति को दर्शाने वाली कितनी सड़कें हैं ये हमको बताना है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है 4, 3 को दर्शाने वाली कितनी सड़कें हो सकती हैं, और फिर दूसरे में पूछा गया है 3 और 4 को दर्शाने वाली कितनी क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। तो ये x निर्देशांक होगा, ये y निर्देशांक होगा, ये x निर्देशांक होगा, ये y निर्देशांक होगा। तो इस ये y अक्ष से दूरी कही जाएगी और ये x अक्ष से दूरी कही जाएगी, और ये y अक्ष से दूरी कही जाएगी, ये x अक्ष से दूरी बोली जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे तो इसे हम नॉर्थ साउथ और इसे ईस्ट वेस्ट वाली होगी। तो नॉर्थ साउथ यानी उत्तर से दक्षिण वाली चौथी सड़क, तो चौथी सड़क जो उत्तर से दक्षिण की ओर, तो 1, 2, 3, 4 यानी जो चौथी सड़क है ये उत्तर से दक्षिण की ओर ये वाली हमारी सड़क ये जा रही है, और जो पूर्व से पश्चिम की ओर ईस्ट से वेस्ट की ओर जो सड़क जा रही है कौन सी बोला उसे तीसरी सड़क, तो तीसरी यानी 1, 2, 3 यानी ये सड़क होगी ये। अब हम देखेंगे कि दोनों सड़कें एक दूसरे को इस बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसे हम बी बिंदु बोल सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ कि जो इसकी दूरी यानी कि वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी, जो कि एक्स अक्ष के समांतर होगी, तो एक्स अक्ष के समांतर यानी कि 4, तो यहाँ इसका निर्देशांक हो जाएगा 4, और इसकी दूरी एक्स अक्ष से होगी, तो एक्स अक्ष से दूरी ये होगी यहाँ से यहाँ तक, जो कि हमारी वाई अक्ष के समांतर है 1 से लेकर के 3 तक, तो यहाँ होंगे वाई यानी कि 3, तो ये बी के निर्देशांक हो जाएंगे। तो सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट ऐसी है जो कि 4 और 3 पर यहाँ स्थिति बनाती है, और अब देखना है हमें 3 और 4, तो उत्तर से दक्षिण की ओर वाली ये तीसरी सड़क होगी ये, तो ये सड़क तीसरी है, और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली चौथी, यानी 1, 2, 3, 4, तो ये सड़क जाएगी ईस्ट से वेस्ट की ओर, फोर्थ नंबर वाली।
तो ये दोनों कहाँ मिलेंगी? इस बिंदु पर। तो इसे हम बोल देंगे सी बिंदु। अब इसके निर्देशांक देखेंगे, इसकी स्थिति को देखेंगे। तो ये पहले उत्तर से दक्षिण वाली यानी तीसरी सड़क थी, तो यहाँ निर्देशांक, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3। और पूर्व से पश्चिम की ओर यानी चौथी सड़क, तो इसके निर्देशांक 3 और 4 हो जाएंगे। तो 3 और 4, तीसरी सड़क और चौथी सड़क से सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट यहाँ बन रही है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इसके उत्तर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहले में लिख सकते हैं कि केवल एक अद्वितीय क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 मान सकते हैं, जिसे बिंदु बी द्वारा दर्शाया गया है। और इसी प्रकार से हम दूसरे के आंसर को भी लिख सकते हैं कि केवल एक अद्वितीय क्रॉस स्ट्रीट को 3-4 माना जा सकता है, जिसे बिंदु सी द्वारा दर्शाया गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.2 का ये पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें 3 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले सब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक कार्तीय तल है, जो कार्टेशियन प्लान है, यानी वर्टिकल लाइन और ओरिजेंटल लाइन क्या कहलाती हैं। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइन से मिल करके इसको हम कितने क्वाड्रेंट में विभक्त कर सकते हैं, उनके सबके नाम हमको बताना है। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइन दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्रॉस करते हैं, उस बिंदु का हमें नाम बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पहले सब बता चुके हैं। यदि उसको नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। तो देखते हैं, मान लो ये कार्तीय तल है, तो इसमें ये वर्टिकल लाइन होगी और इसे हम क्षैतिज रेखा यानी कि ओरिजेंटल लाइन कहते हैं। तो ये क्षैतिज रेखा होगी और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, या हम इसको वर्टिकल बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्षैतिज यानी ओरिजेंटल लाइन। इसे हम एक्स अक्ष के रूप में जानते हैं और इसे एक्स डैश के रूप में, और इसे वाई अक्ष के रूप में और इसे वाई डैश के रूप में। तो पहले का हमारा आंसर यही हो जाएगा कि क्षैतिज रेखा है उसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई अक्ष बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको हम एक्सिस बोल देंगे यानी एक्सिस। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमको ये बताना है कि दोनों अक्ष इस कार्टेशियन को कितने भागों में विभक्त करते हैं। तो एक्स और वाई अक्ष मिलकर के इस कार्टेशियन प्लेन को 4 भागों में विभक्त करते हैं। तो इसे हम पहला भाग यानी पहले भाग को प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, तो इसको लिखेंगे हम प्रथम चतुर्थांश। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट।
और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको बोलेंगे हम चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। अब इसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया है, एक्स और वाई अक्ष का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है? तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु ओ हुआ और इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, ये होगा मूल बिंदु, या इसको बोल देंगे ओरिजिन पॉइंट। और इसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। तो आंसर के रूप में हम लिख देंगे यहाँ, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष। तो ये क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलेंगे और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष बोलते हैं। और दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा चतुर्थांश, चतुर्थांश के रूप में हम विभाजित करेंगे। तो इसमें चतुर्थांश होंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, जो यहाँ इंगित हैं। और तीसरे प्रश्न का आंसर होगा मूल बिंदु। यानी ओ, जिसके निर्देशांक होंगे 0, 0। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2 है, इसमें हमें 8 सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि हमें संलग्न चित्र को देख करके बताना है। तो इसमें पहले प्रश्न में बी के निर्देशांकों को पूछा गया है। तो अब यहाँ हम संलग्न चित्र में देखेंगे कि हमारा एक्स अक्ष है और जो वर्टिकल लाइन है यानी ये वाई ओ वाई डैश, यानी ये वाई अक्ष कहलाता है, और एक्स ओ एक्स डैश यानी एक्स अक्ष कहलाता है। तो इसमें बिंदु बी ये यहाँ पर स्थित है। तो अब देखेंगे हम इसे कि ये वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इस दूरी को हम देखेंगे तो ये हमें दूरी एक्स अक्ष के समांतर मिलेगी। तो जब वाई अक्ष से दूरी होती है वो सदैव एक्स निर्देशांक कहलाती है, और जब एक्स अक्ष से दूरी देखेंगे तो ये वाई अक्ष के समांतर होगी, तो इसे हम वाई निर्देशांक बोलते हैं। तो ये हमारा एक्स निर्देशांक हो जाएगा और ये वाई निर्देशांक होता है। तो इसके निर्देशांक हमारे होंगे यानी ये एक्स एक्स यानी -5 और y 2। तो ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। अब दूसरे प्रश्न में बिंदु C के निर्देशांकों को पूछा गया है। तो बिंदु C ये हमें दिया हुआ है। अब देखेंगे इस बिंदु की दूरी एक्स अक्ष से दूरी ये होगी, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी यानी कि ओ, यानी यहाँ से यहाँ तक इस रेखा के वाई अक्ष के समांतर दूरी कहलाएगी। तो ये दूरी कितनी होगी, माइनस यहाँ से यहाँ तक यानी वाई अक्ष, तो ये वाई अक्ष होगा। और यदि यहाँ से यहाँ तक देखा जाए सी से इस साइड में, तो ये एक्स अक्ष के समांतर होगी, यानी इस दूरी को हम ये कहेंगे 5। तो एक्स यानी कि 5 और वाई -5। तो ये हमारे बिंदु सी के निर्देशांक हो जाएंगे। अब इसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया है, -3 और -5 इन बिंदुओं की जो स्थिति है वो किस बिंदु पर है?
तो माइनस थ्री यानी कि एक्स बिंदु, एक्स निर्देशांक, तो एक्स निर्देशांक माइनस वाला कहाँ होगा, ये माइनस थ्री, और माइनस फाइव यानी वाई निर्देशांक, तो वाई निर्देशांक माइनस वाला, तो ये हमें माइनस फाइव यहाँ मिलेगा, तो ये माइनस थ्री और माइनस फाइव, तो ये मिलेंगे हमें माइनस थ्री और माइनस फाइव, तो इस बिंदु को हम बोल देंगे ई बिंदु। तो ये हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चौथे सब क्वेश्चन में हमें टू और फोर निर्देशांकों वाला बिंदु दर्शाना है। तो x निर्देशांक धनात्मक है तो ये टू होगा, और y निर्देशांक माइनस फोर है तो माइनस फोर हमारा ये होगा, तो ये बिंदु हमारा यहाँ G होगा। तो इसे हम टू और माइनस फोर इस तरह से लिखेंगे। तो यानी कि ये y अक्ष दूरी हमारी टू होगी और x अक्ष दूरी हमारी माइनस की फोर होगी। अब देखेंगे फिफ्थ को, तो इसमें पूछा गया है कि बिंदु D का जो निर्देशांक है उसका हमें भुज बताना है। तो इसके निर्देशांक होंगे यानी कि ये x है तो y अक्ष से दूरी x यानी कि 6 होगी ये, और x अक्ष से दूरी 2 होगी। तो यहाँ ये 6 जो होंगे तो ये हमारी y अक्ष से दूरी होगी, अर्थात x बराबर 6, तो इसी को हम बोलते हैं भुज। तो ये पांचवें का आंसर हो जाएगा। तो अब छठवें प्रश्न में हमें H की कोटि बताना है। तो यहाँ H बिंदु देखेंगे जो हमें यहाँ दिया हुआ है H, तो इसके हम निर्देशांक देखेंगे x निर्देशांक और y निर्देशांक। तो इसका x निर्देशांक होगा हमारा माइनस फाइव और y निर्देशांक होगा माइनस थ्री। तो इसमें कोटि बताना है तो इसकी कोटि होगी थ्री, तो ये हो जाएगी कोटि। तो कोटि यानी कि y निर्देशांक। अब इसके सातवें सब क्वेश्चन में हमें L के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो L बिंदु हमें ये यहाँ पर दिया गया है, अब हमें इसके निर्देशांकों को बताना है। अब इसमें देखेंगे कि निर्देशांक x और y होगा, तो यहाँ पर x निर्देशांक होगा वो 0 होगा और y निर्देशांक होगा 5। तो ये हुए L के निर्देशांक। अब आठवें प्रश्न में हमें M के निर्देशांकों को बताना है। तो यहाँ हमें M बिंदु ये दिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे x और y निर्देशांक। तो ये M बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे माइनस थ्री और 0, यानी इसको बोलेंगे कि y अक्ष से दूरी कितनी होगी इसकी, माइनस थ्री। तो ये y अक्ष है, इससे दूरी इसकी माइनस थ्री हुई, और x अक्ष से दूरी जिसे हम y बोलते हैं तो ये कितना होगा, 0 होगी, क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पे यही है, तो इसकी जो 0 दूरी कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमारे एक्सरसाइज 3.2 के दोनों क्वेश्चन पूरे हुए। एक्सरसाइज 3.3 हम करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें बिंदु दिए गए हैं और उनके निर्देशांक दिए गए हैं, हमें उनके स्थान का निर्धारण करते हुए ये बताना है कि ये किस चतुर्थांश में और किस अक्ष पर स्थित है। तो देखते हैं इसमें कि पहला बिंदु हमें दिया गया है माइनस टू फोर, तो माइनस टू यानी कि एक्स अक्ष पर स्थित होगा माइनस टू, तो माइनस एक्स वाला यानी ये यहाँ एक्स अक्ष पर दूरी होगी ये माइनस टू, और फोर यानी कि वाई अक्ष पर दूरी, तो फोर ये धनात्मक है तो ये वाई यहाँ होगी। इनको हम मिलाएंगे इन बिंदुओं को, तो ये हमारे बिंदु इस स्थान पर होंगे जिसे हम ए के रूप में इंगित कर देंगे। तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा।
तो इसके निर्देशांक ही हमारे माइनस टू और फोर हो जाएंगे। अब जो दूसरा बिंदु हमें बताना है, तो जिसके निर्देशांक थ्री और माइनस वन दिए गए हैं, तो थ्री यानी पहला थ्री एक्स निर्देशांक होगा जो धनात्मक है, तो हम यहाँ एक्स धनात्मक दिशा में थ्री को देखेंगे, तो यहाँ ये थ्री होगा। और माइनस वन, तो माइनस वन यानी वाई निर्देशांक है, तो वाई निर्देशांक ये हमारा वाई अक्ष है, तो इसमें माइनस वन हमें ये मिलेगा यहाँ। तो अब हम इनको और इनको दोनों को मिलाएंगे, इनकी लंबवत दूरी को मिलाएंगे, तो हमें ये बिंदु यहाँ मिलेगा। तो इसको हम बी बिंदु बोल देंगे और इसके निर्देशांक हो जाएंगे थ्री माइनस वन। तो ये वाई अक्ष से दूरी हो जाएगी और ये एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगी हमारी माइनस वन। अब इसमें तीसरा जो बिंदु हमें दिया गया है उसके निर्देशांक होंगे माइनस वन और जीरो। तो अब यहाँ देखेंगे माइनस वन यानी कि एक्स निर्देशांक, तो एक्स निर्देशांक जो ऋणात्मक होंगे वो इस साइड होते हैं, धनात्मक एक्स निर्देशांक इस साइड होते हैं, इसी प्रकार से वाई के जो धनात्मक निर्देशांक हैं वो ऊपर की ओर होंगे और ऋणात्मक निर्देशांक वाई वाले नीचे की ओर होंगे। तो यहाँ देखेंगे माइनस वन और जीरो, तो माइनस वन यानी एक्स निर्देशांक माइनस वन हमें ये मिलेगा और वाई यानी जीरो, तो हमारा ये बिंदु हो जाएगा सी बिंदु। तो इसके निर्देशांक माइनस वन और जीरो होंगे, तो इनको हम बोल देंगे माइनस वन यानी वाई अक्ष से दूरी हमारी माइनस वन होगी और एक्स अक्ष से दूरी जीरो होगी। अब अगला बिंदु है जिसके निर्देशांक हमें वन और टू दिए हुए हैं, तो वन और टू, वन यानी कि एक्स निर्देशांक और टू यानी कि वाई निर्देशांक, तो एक्स धनात्मक निर्देशांक वन हमारा ये होगा और टू धनात्मक वाई निर्देशांक होगा ये हमारा जो कि यहाँ होगा। तो अब इनको हम एक्स और वाई अक्ष के समांतर एक दूसरे को मिलाएंगे, तो हमें ये बिंदु यहाँ मिलेगा यहाँ पे। तो ये हमारा निर्देशांक इसके हो जाएंगे वन और टू, और इसे हम डी बिंदु के नाम से इंगित कर सकते हैं। अंतिम बिंदु पूछा गया है, उसके निर्देशांक माइनस थ्री और माइनस फाइव बताए गए हैं, तो माइनस थ्री और माइनस फाइव, तो माइनस थ्री यानी कि एक्स निर्देशांक और माइनस का है, तो एक्स ऋणात्मक इधर होगा, तो ये माइनस थ्री निर्देशांक हमें यहाँ मिलेगा, और y निर्देशांक जो कि माइनस फाइव होगा, तो y माइनस फाइव हमें नीचे की ओर मिलेंगे, तो ये माइनस फाइव ये यहाँ मिलेगा। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के जो समांतर दूरी हैं, लंबवत दूरी हैं, उनको हम मिलाएंगे, तो ये होगी और ये होगी। तो यहाँ ये y अक्ष से दूरी ये होगी और एक्स अक्ष से दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक होगी, तो इनके निर्देशांक होंगे माइनस थ्री और माइनस फाइव। तो ये वाई अक्ष से दूरी हमारी माइनस थ्री हो जाएगी, क्योंकि वाई अक्ष से दूरी यानी ये वाई अक्ष है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये समांतर रेखा होगी, ये यहाँ से यहाँ तक समांतर रेखा, तो ये बराबर ये रेखा हो जाएगी, तो ये कितना होगा माइनस थ्री, यानी कि एक्स निर्देशांक हो जाएगा और वाई निर्देशांक हमारा माइनस फाइव हो जाएगा, जो कि हमारी एक्स अक्ष से लंबवत दूरी होती है। तो इस बिंदु को हम ई नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का। अब करेंगे इसका अंतिम क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन, लेकिन इसके पहले हमें जो पूछा गया था इसमें चतुर्थांश बताना है, कौन से बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, तो वो हमें लिखना है। तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होगा
और ये हमारा दूसरा चतुर्थांश होगा। और ये हमारा तीसरा यानी तृतीय चतुर्थांश होगा। और ये चौथा यानी चतुर्थ। तो ये हमारा जो बिंदु ए था वो दूसरे चतुर्थांश में होगा, ये बिंदु ए। और बिंदु डी ये प्रथम चतुर्थांश में मिलेगा हमें। और बिंदु बी ये हमें चौथे चतुर्थांश में मिलेगा। और बिंदु ई ये हमें तीसरे में मिलेगा। और बिंदु सी ये हमें दूसरे में मिलेगा। तो इसमें हमें ये सारणी दी गई है। तो इस सारणी से हमें जो बिंदु हैं इसके उसे कार्तीय तल में हमें निरूपित करना है। तो ये हमारा एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष से मिलकर हमारा ये कार्तीय तल चार क्वाड्रेंट में विभक्त है। तो इसमें हमें अब x और y के हमें बिंदु या निर्देशांक दिए गए हैं जिनके माध्यम से हमें इस तल पर इन बिंदुओं को प्रदर्शित करना है। तो यदि हम पहला बिंदु लें, इसको हम A नाम दे दें और इसको B दे दें, इसको C दे दें, इसको D दे दें और इसको E दे दें, तो इनको हम इस तरह से तल पर प्रदर्शित करेंगे। तो ए बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए हमें एक्स और वाई निर्देशांक यहाँ -2 और 8 दिए गए हैं। तो -2 यानी जो कि एक्स अक्ष पर दूरी है, एक्स अक्ष पर दूरी है, और इसे हम कहेंगे किसी बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी। तो ये है हमारी -2। तो हम x को देखेंगे, x अक्ष को, तो उसमें -2 यानी हमें यहाँ मिलेगा। और y = +8 दिया है, तो 8 हमें y धनात्मक मान है जो यहाँ मिलेगा। तो इसको हम इधर बढ़ाएंगे और -2 है तो -2 को हम, यानी ये y अक्ष के समांतर हमारी ये दूरी होगी। तो ये हमारे निर्देशांक यहाँ होंगे, x निर्देशांक -2 होगा और y निर्देशांक 8 होगा। और इस बिंदु को हम A बिंदु नाम दे देंगे। अब जो दूसरा B बिंदु होगा उसके निर्देशांक हमें -1 और 7 दिए हैं। तो x निर्देशांक -1 होगा, तो -1 यानी ये। और y निर्देशांक +7 दिया हुआ है, तो +7 यानी ये। तो अब हम इनको मिलाएंगे, तो ये y अक्ष से दूरी को देखेंगे और x अक्ष से लंबवत दूरी को देखेंगे। तो इन दोनों लंबवत दूरी को हम मिला देंगे तो हमें ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो ये होगा B बिंदु और इसके निर्देशांक हो जाएंगे -1 और 7। अब देखेंगे तीसरा बिंदु C, जिसके लिए निर्देशांक 0 और y निर्देशांक -1.25 है। तो 0 यानी x निर्देशांक 0, तो 0 यही होगा। और y निर्देशांक यानी -1.25, तो -1 y, तो y -1 पॉइंट में दिया हो, तो ये पॉइंट में दिया गया है, तो 1 तो हमारा यहाँ हो जाएगा। अब पॉइंट में यहाँ ये बराबर बराबर ये 10 खाने होते हैं यहाँ, तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ होगा और 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ जाएगा। तो 10 बराबर खानों से मिलकर के हम एक बड़ा खाना निर्मित करते हैं यहाँ। तो यहाँ -1.25, तो 2 -1 पूरा यहाँ होगा, 2 यानी कि एक छोटा
बिंदु एक, फिर उससे ये दो बिंदु होंगे, तो 5 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, तो पॉइंट में 1, 2 यहाँ होगा। अब 2 5 यानी 2 से भी थोड़ा अधिक होगा, तो लगभग हम थोड़ा अधिक करके यहाँ हमारा ये बिंदु मिल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ बिंदु मिलेगा -1.25 ये, और 0 है, तो ये तीसरा यानी निर्देशांक बिंदु ये C हो जाएगा, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 और -1.25। तो अब हम D बिंदु को लेंगे, तो जिसके लिए हमें X निर्देशांक 1 और Y निर्देशांक 3 दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे X धनात्मक बराबर 1 माना जाएगा, तो यहाँ X बराबर 1 हम इसको देखेंगे, और Y बराबर 3 दिया है जो कि धनात्मक है, तो Y बराबर 3 ये होगा। अब हम दोनों की लंबवत दूरी को मिलाएंगे, तो ये हमारा बिंदु यहाँ होगा, तो इसे हम D बिंदु बोल देंगे इसको, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 1.3। तो यानी y अक्ष से दूरी 1 होगी और x अक्ष से दूरी 3 होगी। अब जो अंतिम बिंदु है E के रूप में दिया गया है, जिसके निर्देशांक 3 और -1 है, तो 3 यानी कि x निर्देशांक और -1 यानी कि y निर्देशांक। तो यहाँ x धनात्मक 3 है, तो x का मान ये 3 यहाँ हम देखेंगे, और y -1 दिया हुआ है, तो y -1 ये यहाँ मिलेगा हमें। तो इन दोनों की लंबवत दूरी को हम एक दूसरे से मिलाएंगे, तो हमें ये बिंदु यहाँ मिलेगा, ये बिंदु। तो इस बिंदु को हम E नाम दे देंगे, तो ये E बिंदु होगा, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3, -1। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है।